नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मोदी का यादव दा। तीन राज्यों में मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए 2024 के लिए अपने मोहरे फिट कर दिए हैं। बहुत सधी हुई चाल के साथ तीनों राज्यों में चौंकाने वाले नाम दिए, लेकिन एमपी के सीएम के नाम के सार्वजनिक होते ही साफ हो गया कि बीजेपी इस बार छोटी नहीं बड़ी चाल चलने वाली है। यानी रणनीति जिसका तोड़ विपक्ष को निकालने में निश्चित ही पसीने छूटने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए ऐसा अकल्पनीय नाम दिया जिसकी दूर दूर तक कहीं चर्चा भी नहीं थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि तीसरी पंक्ति में बैठा नेता विधायक दल का नेता बन जाएगा, मोहन यादव। जी हाँ, यूपी बिहार हरियाणा में मोहन यादव बीजेपी के लिए यादवी उम्मीद साबित होंगे क्या? 2024 में मोहन यादव के सहारे पीएम मोदी या अखिलेश यादव के परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के 52% ओबीसी वोटर्स में 20% यादवों को भी ये बताएंगे कि यूपी बिहार में और साथ ही सपा और राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ परिवार के यादव टॉप पर आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी में कोई भी यादव टॉप पदों पर आ सकता है। मोहन यादव से उत्तर प्रदेश में भाजपा जातीय समीकरण जोड़ने के साथ ही सपा को सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी साबित करने की कोशिश करेगी। यानी मोहन के साथ विपक्षी गठबंधन का मोदी किस तरह से दोहन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और तो बीजेपी की काट के लिए सपा के पास अब क्या बचा है? सवाल तो ये भी है कि जातीय जनगणना की वजह से क्या तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए जाति अहम फैक्टर रहा? आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस आए हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले लिए। देखिए, राजस्थान में भी नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई। हमेशा हम जात पात की बात नहीं करते हैं, हम एक बात करते हैं कि नया नेतृत्व उभारने की। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमने नया नेतृत्व उभारा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से देवेंद्र साहब को बनाया गया, धामी साहब को बनाया गया, योगी साहब को बनाया गया, ये सारे नित नए प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए और सफल प्रयोग किए गए। हाँ, अखिलेश यादव को डर, मोहन यादव से तो जो होना है होगा ही। मोदी जी की दहशत, जनता में मोदी जी की लोकप्रियता, अब इन लोगों की जमीन खिसक रही है। ये लोग कहीं भी किसी स्तर पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का करने लायक नहीं है। देखिए, क्या उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हैं, क्या किसी को प्रदेश में कोई एक पिछड़े मुख्यमंत्री बनाने से उनको आरक्षण मिल जाएगा? समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात करती है, जिस जाति जनगणना की बात करती है, उसपे जो पिछड़ी जात के नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनको उनका हक कैसे मिले? ये पिछड़ों की लड़ाई है, ये जाति जनगणना है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि रिक्त स्थान भरने से पिछड़ों को उनका हक मिल जाएगा, आरक्षण मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की गलत फहमी। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की बात, पीडीए की बात उठाती रही। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, आज की डेट में आपने देखा होगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जाति जनगणना की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हमारे साथ में जो इंडिया अलायंस के भी जो दल हैं वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जाति जनगणना के लिए क्या कर रहे हैं? कम से कम उनको भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में पिछड़े वर्ग की आवाज़ को उठाया, लेकिन धरातल पे वो क्या है? क्या ये भी साबित होंगे कि पीएमओ के द्वारा जिस तरह से सब मुख्यमंत्री चलते हैं, क्या मोहन यादव भी चलेंगे? ये देखने का विषय होगा। मेरे उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से सवाल होंगे। डॉक्टर राजकुमार है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार मौर्य जी, स्वागत आपका। किसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैन साहब का स्वागत। विवेक पांडे जी सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता आप सपा के, बहुत स्वागत विवेक जी आपका भी। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। त्रिपाठी जी, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ये तो साफ हो गया कि 24 की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मोहन यादव के नाम से ये भी साफ हुआ कि यादव फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में कितना इम्पोर्टेंट, ना केवल यूपी में और स्टेट्स में भी, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ तो बीजेपी ने वाकई एक बड़ा दाव खेलते हुए कोशिश की है, लेकिन ये कितनी सफल होगी तो आने वाला समय बताएगा। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि क्या जाति जनगणना ही बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से जाति फैक्टर को अहम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्रियों को उतारने में जाति को ध्यान में रखना पड़ा। और इसके साथ ये भी सवाल है सर कि क्या जो यादव वोट बैंक जो अभी तक बीजेपी के मुट्ठी में नहीं आ पाया, ये इस दाव के बाद बीजेपी के साथ जाएगा क्या? त्रिपाठी जी। जी देखिए, जिस तरह से पांच राज्यों के चुनाव हुए,
और 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा ने फतेह हासिल की जी। तो जबकि कुछ 1-2 प्रदेश ऐसे थे जहां पे इतना आसान चुनाव नहीं लग रहा था भाजपा को जीतने जी जी आने वाला नाम आया। उसके बाद भाजपा, देखिए भाजपा की जो रणनीति है वो अपने आप में आज की डेट में अगर कहें तो बहुत ही फुल प्रूफ रणनीति होती है। और उसके बाद देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री चयन को लेकर के माथापच्ची चल रही थी और उसके बाद भाजपा में जो 3 नाम निकल के आए वो शायद ही किसी ने सोचे होंगे कि ये नाम होंगे, वरना मध्य प्रदेश में अगर मामा की बात की जाए तो लग रहा था कि वही बनेंगे, लेकिन देखिए वहां मोहन यादव जी को बना दिया, फिर छत्तीसगढ़ में विष्णु देव जी आ गए और राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा टफ पोजीशन चल रही थी वसुंधरा राजे जी को लेकर के, और लग रहा था कि वसुंधरा राजे किसी से साथ लाटेन समर्थन लेकर कार्य बना ले, उसको भी उन्होंने किनारा करते हुए भजन लाल जी को वहां पे मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया। तो ये एक किया उनका लक्ष्य यूपी, क्योंकि यूपी में देखिए उनका लक्ष्य है 80 की 80 सीटें कैसे जीती जाए, और साथ ही समाजवादी पार्टी जो मुख्य मुकाबले में है, जो मुख्य विपक्षी दल है यहाँ पे, उसको यहाँ पे कैसे रोका जाए। तो उसके लिए उन्होंने ये मोहन यादव जी का काट है, चूंकि मोहन यादव जी सुल्तानपुर जिले से संबंध रखते हैं, वो यूपी में भी है और पिछले चुनाव में वो यहाँ पे रहे, तो जाहिर सी बात है कि यादव वोट बैंक है, जो पश्चिम में अगर बात करें तो इटावा और रैया मैनपुरी एटा जो क्षेत्र है कन्नौज, जो ये यादव बाहुल क्षेत्र है, उधर आजमगढ़ ले लीजिए, तो ये सब चीजें। तो सपा का जो वोट बैंक, 2 वोट बैंक माने जाते थे, जो आज भी लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी का जो 2 मजबूत वोट बैंक है, एक यादव दूसरा मुस्लिम, तो उस 2 यादव मुस्लिम को कैसे विभाजन किया जाए इस पे भाजपा ने अब काम करना शुरू किया। तो ये जो उनका मिशन है उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि भाजपा कोई भी काम, कोई भी योजना इतनी आसानी से तब तक नहीं करती जब तक उसको लग नहीं जाता कि हम इससे सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों ने तो पिछली बार उन्होंने कर दी कि पन्ना प्रमुख बनाए गए और पन्ना प्रमुख मोहल्ले गलियों मोहल्ले 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, उसके बाद उनका लक्ष्य वो रखा जो वोट नहीं डालने आते हैं उनसे कैसे वोट डलवाया जाए। तो भाजपा हर बार एक नया प्रयोग करती है, बिल्कुल हर बार एक नया प्रयोग करती है, और इस बार भी जो प्रयोग किए हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सरप्राइज करने वाले थे। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, किसी जन साहब, ओबीसी वोटर्स आपके साथ 2009 के बाद से 2019 जब आया तो 10 साल में काफी रिकवर हुआ, 44% चला गया, लेकिन उसमें भी जो यादव वोटर्स हैं ये आपके साथ नहीं आ पाए, और यही वजह है कि आपने यहाँ मामा नहीं मोहन चुना, यादवों को साधना है। नहीं देखिए पारुल जी, अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने तमाम सारी बातें जिस प्रकार से रखी आलोक जी ने, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो ये कि काम पे विश्वास करती है, और 2014 का इलेक्शन हम जीते, 2019 का इलेक्शन हम जीते, और 2000 से ज्यादा सीटें हमारे पास 2019 में आई, तब ये मुख्यमंत्री तो नहीं थे उस समय, तो जिनका आप पुराना नाम बता रही हैं वो चाहे शिवराज जी चौहान के रूप में मामा जी के नाम में फेमस शिवराज जी हो, चाहे वसुंधरा राजे जी का नाम रहा हो, इस तरीके से लोग रहे। लेकिन बात यह है कि देखिए जो भी पार्टी काम करेगी, जो भी पार्टी विकास करेगी, और देखिए अभी जिस प्रकार से लगातार पीडीए की चर्चा विपक्ष करता है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, लेकिन दलित मायावती जी तो लगातार प्रश्न लगाती रही कि ये दलितों के साथ अगर अत्याचार सबसे ज्यादा हुआ तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ, और उनके साथ भी अत्याचार हुआ, वो अपने अत्याचार भी याद दिलाती है, तो ये केवल पीडीए की बात करते हैं, ना तो इनको दलितों से मतलब है ना अल्पसंख्यकों के मतलब है, और केवल जब वोट लेना होता है तो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ ये है कि मुस्लिम वोटर इनके लिए, और अल्पसंख्यक मतलब और कोई नहीं है, इनके सिख से मतलब नहीं है, और कोई समुदाय बौद्ध समुदाय उससे मतलब नहीं है, जैन समुदाय उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको आंकड़े बताकर सवाल पूछा था केसी जैन साहब, कि 2009 के बाद 2019 आते आते ओबीसी वोटर्स आपके डबल हो गए, 22 से 44 हो गए, और उसमें भी आपके साथ यादव नहीं जुड़ पाए, मोहन यादव एक बड़ा फैक्टर यूपी बिहार में साबित होंगे आपके लिए, इसीलिए आपने जातियों को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री बनाया। पारुल जी देखिए, जब अगर हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश जो अभी जीते वहां पर अगर हमको बिना किसी के नाम प्रपोज किए हम यहाँ पे जीत करके आए हैं, तब भी ये मुख्यमंत्री नहीं थे,
तो अब जीतने के बाद अगर हम उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है और सबको नेतृत्व करने का अवसर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, एक बार जो बैठ गया उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी केवल वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनती रहेंगी। यहाँ पर तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी का राम पार्टी के द्वारा यही संदेश देते हुए किया जा सकता है और एक बड़ा दाव लगाया है मोहन यादव पर आपने। ठीक है, एक बड़ी चीज ये है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको बड़े से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और एक चीज है भारतीय जनता पार्टी में, और न केवल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ यूपी बिहार झारखंड भी साथ लिया। अब लौट रही हूँ सर, लौट रही, रुक जाइए। डॉक्टर राजकुमार जी हमारे साथ हैं, सपा से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं विवेक पांडे जी। विवेक जी, ये बताने की कोशिश बीजेपी की मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के साथ कि एक बड़ा नेता वो भी किसी परिवार से ताल्लुक नहीं रखता, और अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जग जाहिर है, ये तमाम विश्लेषकों से हम सुनते रहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो परिवार से ही बनेगा, लालू जी के परिवार से नहीं बनेगा तो यादव किसी के परिवार से नहीं आएगा। ये उन्होंने एक फैक्टर सेट कर दिया आपके सामने कि साहब हम तो तमाम तरह के यादवों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए आपका पीडीए के सामने, इंडिया अलायंस के सामने, जाति जनगणना के सामने एक ऐसा तिलस्म उतार दिया है बीजेपी ने जिसका तोड़ निकालने में पसीने छूटेंगे आपके, कहिए। नहीं देखिए, पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं प्रणाम और अनुमोदन समर्पित करता हूं अपना, और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की आज अनुमति चाहूंगा पूरे मन से। देखिए, आपको तो ये धन्यवाद देना चाहिए आज भाजपा को कि कम से कम भाजपा ने मजबूर कर दिया, भाजपा को मजबूर कर दिया समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को आत्मसात करने के लिए, जिससे वो दूरी बना करके चलना चाह रहे थे। आज पीडीए, पिछड़ा मुख्यमंत्री इनके श्री मोहन यादव जी, दलित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, अगला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, तो मुझे लगता है कि पीडीए को अमित को आत्मसात करते हुए भाजपा को तरीके से जाति जनगणना करवा देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि यादवों को साध लिया, अब मुस्लिमों की पार्टी, अभी इनके शब्द थे मुस्लिमों की पार्टी। भाई मैं तो कहता हूं MY फैक्टर का आरोप लगाने वाले आज Y को हटाना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर Y हमसे नहीं जुड़ा है तो फिर मैं कहता हूं MY फैक्टर का आरोप ही क्यों लगा रहे थे हमारे ऊपर। भाई भाजपा तो अपने ही बयानों में उलझ जाती है। उससे भी बड़ी बात मैं कहूं, इनका बड़ा नाता रहा है, बहुत करीबी कनेक्शन रहा है, भ्रष्टाचारियों को हमेशा इन्होंने सम्मान देने का काम किया। आप नरेंद्र सिंह तोमर का ही देख लीजिए, चुनाव के पहले वीडियो वायरल हुआ था, ना कोई नोटिस पहुंची, ना कोई जांच, इतना अच्छा पत्ते दिया गया। और जिसकी बात हो रही है, जिसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने भी 29 एकड़ की जमीन अपनी बाकायदा महायोजना, सिंहस्थ महायोजना के लिए 2.5 साल तक उस योजना को लंबित किए रखा, ताकि वो जमीन कृषि से बाकायदा आवासीय हो सके, मतलब उसका लैंड यूज चेंज करवाने के लिए, केवल ताकि उनको लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है वो भी एक जांच का विषय है। चूंकि ठीक है, अब इन्होंने चूंकि उनको बना दिया है, लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए, हर प्रदेश के हर राजनीतिक दल के चुनाव और वहां की जो समस्याएं और वहां की जो चुनौतियां हैं वो बिल्कुल अलग है। आप किसी को सीधे लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश कीजिए, मुझे लगता है अक्षम्य है। उत्तर प्रदेश में जो वोटर है वो बहुत जागरूक है, और मैं कहता हूं अगर आप इतने पीडीए के समर्थक है और इतना आपको लोगों की चिंता है, जागरूक है, और ये भी समझता है पांडे साहब कि अगर कोई भी यादव आपकी पार्टी से जुड़ भी जाए ना तो नंबर अखिलेश यादव और एंड फैमिली का लगने वाला है, उसका तो लगने वाला नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ कम से कम लोकतांत्रिक आधार पे उनको लोग खुद चुनते हैं। मैं तो ये पूछता हूँ, इनके अध्यक्ष का आखिरी चुनाव कब हुआ यही बता दे। इनके यहाँ भी तो, इनके यहाँ तो लॉन्चिंग पैड दिया जाता है सीधे, जो RSS कह देगा, जो संघ कह देगा, वहीं से लॉन्च हो जाएगा। लेकिन बड़ी स्मार्टली आपको नहीं लगता, हम मध्य प्रदेश में जब चर्चा करते थे कि नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने लॉन्च की, एक सेकंड केसी जैन साहब, नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने लॉन्च की, उधर शिवराज जी ने लाडली बहना लॉन्च कर दी और खाते में पैसे भी जाना शुरू हो गए। आपने पीडीए शुरू किया, पीडीए मुख्यमंत्री उतार दिए बीजेपी ने, आपकी हर योजना विपक्ष की योजना को पस्त करती हुई बीजेपी आगे बढ़ रही है, आपको ऐसा नहीं लगता? आप बोलते उधर वो करके दिखा देते हैं। पीडीए का मुख्यमंत्री लेके आए, ये भी हमारी रणनीति का हिस्सा। भाई मैंने कहा ना, आप बोलते हैं वहां वो करके दिखा देते हैं, अब क्या बचा आपके पास? समझ रहे हैं? नहीं, हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज भाजपा क्यों नहीं, अगर पिछड़ों की इतनी हितैषी है, इतनी चिंतक है, 9000 शिक्षक भर्ती के उन 6000 बच्चों को समायोजित कर लेना, क्यों लंबित करके चल रही है भाई? ठीक है, बेच चुके हैं क्या? ये यादवी दाव जो चला है राजकुमार जी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में,
ये लग तो रहा है कि जाहिर सी बात है कि राजनीति से जुड़ा हुआ ही एक स्टंट हो सकता है, एक कोशिश हो सकती है, लेकिन ये भी मान के चला जा रहा है कि इससे जो 20% का जो कोर वोटर है ना आरजेडी और सपा का, उस पर सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस बार वो कामयाब होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब तक छोटे पदों तक तो वो सीमित थे, लेकिन अब वो बड़े पद पर लेकर आ गए हैं, और ऐसे नेताओं को जिसको लेकर वाकई किसी को ख्यालो गुमान में नहीं था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो ये चौंकाने वाला नाम था, और ये कांग्रेस को भी डेंट देने वाला है दूसरे स्टेट्स में भी। सर, बहुत अच्छी बात है तारु जी कि आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश का, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी ओबीसी की लड़ाई जो है बहुत मुस्तैदी से लड़ रही है, हम जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, ओबीसी के मुद्दों को बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये लड़ाई जो है ओबीसी समुदाय की जो लहर चली है, ओबीसी समुदाय से लोगों में डर है खासकर भाजपा में, क्योंकि भाजपा ने कभी भी ओबीसी और एससी और वंचित समाज का जो है भला नहीं चाहा है। ये क्या करते हैं, चेहरा खाली दिखाने के लिए रखते हैं, जैसे कठपुतली होता है उसी तरीके से प्रयोग करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराकर एक इतिहास रच दिया है, और अब सीधा जो है आगे जो मांग हो रही है, किसने रच दिया इतिहास, सर रिपीट कीजिए जरा। नीतीश कुमार जी ने इतिहास रच दिया है, जातीय जनगणना हो गई तो जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये कहीं आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आपको शायद पता होगा कि करीब 2600 जातियां हैं जो पिछड़ों में आती हैं, और उनमें से मुट्ठी भर 10% भी नहीं जो जातियां हैं उनको आरक्षण मिलता है। आप जाति जनगणना कराएंगे, कौन सी वाली जातियों को आगे रखेंगे, कम से कम अगर आप समान चाहते हैं कि उनका विकास हो, तो इन जातियों को फिर आपको पीछे रखना पड़ेगा जिनका विकास हो चुका है अब तक, क्योंकि अब तक तो आरक्षण के नाम पर सब लेते जा रहे हैं। मैडम, खुलकर बोलेंगे क्या जाति जनगणना के नाम पर? भाजपा के राज में आरक्षण खत्म हो चुका है, आप एक नहीं 1000 उदाहरण हम दिखा सकते हैं। 2600 जातियों में से किसको आगे रखेंगे, और अब तक जिनका विकास हो चुका है बड़े अच्छे पैमाने पर, जो अब तक आरक्षण का लाभ लेते रहे, उनका पेट भर चुका है, उनको पीछे रखेंगे क्या? एक सवाल आपने पूछा, वो पूरा हो जाए तब उस पर आगे बढ़िएगा। आपने जाति जनगणना का जिक्र किया तो मैंने दर्शकों को बता दिया कि जाति जनगणना करना आप चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे ये समझ से परे है। सुन तो लीजिए, 79,000 जो भर्ती आई थी शिक्षक की, उसमें कितना बड़ा घोटाला आदरणीय योगी जी ने किया है, उस पर कोई यादव पर भी तो बोल लीजिए, उस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, आप नहीं होंगे, आपकी पार्टी से कोई और प्रवक्ता होंगे, लेकिन वो मुद्दा हम कर चुके हैं। अभी आइए आज के मुद्दे पर, कि ओबीसी समुदाय का जो जितने खासकर मोस्ट बैकवर्ड जातियां जो निचला तबका है एकदम जो है वंचित है, सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी का हो रहा है जिसकी आप बात कर रही है, सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा में उसी को हो रहा है। भाजपा के लोग क्या करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को बना देंगे खाली, ये क्या करेंगे दिखाने के लिए, 1% पावर नहीं है केशव प्रसाद मौर्य की, आप उदाहरण दे रहे हैं। दुख तकलीफ इस बात की है कि राजनीति में मौर्य साहब जो हैं आपकी जाति से जुड़े हुए हैं, तो उनको वर्चस्व, उनका वर्चस्व कम, ये तकलीफ है क्या? अनुप्रिया पटेल कहाँ जा रहे हैं, समाज से आती है, क्या हैसियत है उनकी? ओम प्रकाश राजभर जी देखिए, रोज उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाता है, पता नहीं बेचारे 3 बार जो है कपड़े खिला चुके हैं, अभी मंत्री पद नहीं, तो ऐसे यही हाल है। हम एक उदाहरण देते हैं, बलिया की घटना बता रहे हैं, वहां पर राजकुमार वर्मा जो कि मतलब कोर्ट में है, कोयरी यानी मौर्य समुदाय से आते हैं, उनको जो है एक FIR करने गए थे, वहां के दरोगा ने जी भर के गालियां दी, जबकि वो पीड़ित थे, एक राजपूत ने उनको मार दिया था थप्पड़ से, उसकी शिकायत लेकर गए दरोगा ने, जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तो बात नहीं कर रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा जाति जनगणना, उन्होंने कहा PDA, आपने कहा जाति जनगणना, और जाति जनगणना में भी आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि जाति जनगणना आप पिछड़ी 2600 जातियों में से किन किन को आप आरक्षण दिलाएंगे, जिनका पेट भर चुका है उनका, उनको पीछे करेंगे, आगे करेंगे, क्या करेंगे? खैर लॉटरी, रुक जाइए, आप मौर्य कर रहे, रुक जाइए, अब मैडम आप पूछी है तो, अरे सर आप मौर्य साहब कुछ आपको याद आ रहे हैं, मौर्य साहब आपको वो राजभर साहब भी याद आ रहे हैं, रुक जाइए, जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं उनका दर्द आपको याद आ रहा है, रुक जाइए जरा, मोहन यादव ठीक है, सवाल ये है त्रिपाठी जी,
त्रिपाठी जी, यूपी में तो खैर अब कांग्रेस का बहुत बड़ा कोई वोट बैंक बचा है नहीं जिस हिसाब की सीटें हैं, और अब लोकसभा चुनाव में अगर इंडिया अलायंस साथ में जुड़कर आता है तो एक तरफ उनका जाति जनगणना का मुद्दा जिसमें 2600 जातियां हैं, किसको आगे रखेंगे, जिनका पेट भर गया उनको पीछे करेंगे, क्या करेंगे क्लियर नहीं बता रहे। जाति जनगणना करनी है ताकि पिछड़ों का विकास हो सके, लोगों का विकास हो सके, उन लोगों का खासतौर पर। लेकिन अब जब ये जो वोट बैंक को लेकर जो स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, इधर जाति जनगणना को आप रखिए और उधर जो अभी स्ट्रैटेजी अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए और उप मुख्यमंत्री भी बना दिया अलग अलग जातियों से, ये तोड़ कितना जाति जनगणना पर भारी पड़ेगा या फिर जाति जनगणना ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है आपको? त्रिपाठी जी शॉर्ट में। देखिए जाति गणना जिस तरह से मुद्दा उठा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो परिणाम आए तो उससे लगा कि वो मुद्दा बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो जो परिणाम आया उससे तो हम यही कहेंगे, लेकिन अभी कुछ समय से अगर देखिए तो ओबीसी वोट बैंक को लेकर सभी दल परेशान कि किस कैसे उस वोट बैंक को साधा जाए, क्योंकि उसमें यादव वोट बैंक की संख्या ज्यादा प्रतिशत है, उसके बाद कुर्मी की है। तो अगर भाजपा की बात कर लें, अगर तो भाजपा देखिए, भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो और चाहे आप संजय निषाद जी हो, इन लोगों को ऑलरेडी पहले से ही अपने साथ शामिल कर रखा है। अब बचा हुआ यादव वोट बैंक, अब मुस्लिम, तो मुस्लिम के लिए उन्होंने पहले से ही जिले जिले में पसंदीदा सम्मेलन के माध्यम से उनको अपनी योजनाओं की कोशिश की है। लेकिन बिहार और यूपी में जो यादव परिवार वाला आरोप लगाती है, परिवारवाद को का आरोप उठाकर डेंट दे पाएगी बीजेपी इन पार्टियों को, खासतौर पर सपा और लालू साहब? जी देखिए, भाजपा ये बात चुनाव में बिल्कुल उठाएगी, क्योंकि उसने यूपी में जहाँ पे अगर आप देखिए तो मंत्री गिरीश यादव जी बने हुए हैं, और केंद्र में अगर भूपेंद्र यादव जी बने हुए हैं, उसके बाद सुल्तानपुर यूपी के जो जिला है वहां से संबंध रखने वाले मोहन यादव जी को उसने, तो वो दिखाए, ये शो करेगी, ये प्रचार करेगी चुनाव में कि कैसे हम यादव वोट बैंक को भी विपक्ष सोचना खत्म करता है वहां से मोदी की सोच शुरू होती है, ऐसा आज हमने कई जगहों पर विश्लेषण में सुना विवेक पांडे जी। तो ये तो अगर आप कहें कि परिवारवाद का मुद्दा नहीं उठेगा तो बीजेपी जोर शोर से उठाने वाली है, परिवारवाद पर आपको पटकनी देने वाली है, बताइए। नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं, जब भाई मैंने पहले ही कहा कि हर राजनीतिक दल की क्षेत्रीय समस्याओं की चुनौतियां अलग होती हैं। आज उत्तर प्रदेश की बात अगर करिए तो राजधानी लखनऊ हत्या दुष्कर्म जैसी वारदातों में नंबर एक पे है, एनसीआरबी का डेटा आंकड़ा आ चुका है। भाई बनारस में आज छठवें दिन बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ। ठीक है केसी जन सर भाई, मैं वही आ रहा हूँ, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। सारे जाति के मुख्यमंत्री उतार के आपने जातिगत जनगणना करवा लेना मोदी जी, अगर इतने हितैषी हैं तो। मैं तो कह रहा हूँ ना, बताइए ना, 20% यादवों को अपने पाले में लाने के लिए अगर उनको एक यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, बताइए ना, 2600 जातियां पिछड़ों में आती है, सेंट्रल की तरफ से जो आंकड़े हैं उनमें किसको आगे रखेंगे किसको पीछे रखेंगे, आप लोगों को खुद ही हिसाब देना पड़ जाएगा अभी। ठीक है केसी जन साहब, ओबीसी में 80 से ज्यादा जातियां उत्तर प्रदेश से आ रही, और उसमें भी अगर किसी को लाभ मिला तो सिर्फ और सिर्फ यादव वर्ग को मिला, उसके बाद कुर्मी समाज को मिला। लेकिन अगर यादव समाज की राजनीति में बात करें, और जिस प्रकार से अभी विवेक जी कह रहे थे, हम तो खुद लास्ट है, 2 मिनट बात करने दीजिए। अच्छा बोल नहीं रहा था, देखिए जहां तक ओबीसी की बात है, ओबीसी में अगर लाभ किसी को मिला समाजवादी पार्टी में तो यादव और कुर्मी समाज को, और यादव में भी सिर्फ यादव परिवार में अखिलेश यादव जी के परिवार को मिला। अगर विवेक जी आज ये बात कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि भाजपा ने कम से कम ओबीसी को ध्यान दिया, तो लेकिन तब MY फैक्टर का आरोप क्यों लगता था, ये भी स्पष्ट कीजिए ना। अगर ऐसा था तो MY फैक्टर का आरोप क्यों लगता था, तब MY फैक्टर का आरोप भाजपा क्यों लगाती थी, अगर केवल कुर्मी और यादवों को लाभ मिला तो, यानी भाजपा झूठ बोलती थी ना देश के सामने, भाजपा झूठ प्रोपेगेंडा चलाती थी, ये बात मानेगी ना भाजपा? MY फैक्टर का आरोप क्यों लगाते थे आज, तो MY फैक्टर का आरोप भाजपा पे लगना चाहिए भाई। डॉक्टर राजकुमार बोलना शुरू कीजिए, और उनका परिवार कभी कोई मंत्री पद नहीं लेगा, आप कहिए यहाँ पर, आप कहिए यहाँ पर कह दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी की चाय कभी किसी ने नहीं पी, में से कोई मिनिस्ट्री नहीं देखेगा, किसी भी मंत्री पद पर नहीं बैठेगा, कह दीजिए। अभी आपको नोटिस मिल जाएगा, कह देंगे गलती से तो। राजकुमार जी बोलिए। नहीं नहीं, मुझे क्यों, मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ नेता चुना जाता है, आपके अध्यक्ष की, आप कह दीजिए ना, अखिलेश यादव जी का परिवार कोई भी मिनिस्ट्री नहीं देखेगा, मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी की कभी किसी ने चाय नहीं पी, और अमित शाह के बेटे को, राजकुमार जी को बोलने दीजिए, वो BCCI का अध्यक्ष बन गया। परिवारवाद की बात करेंगे राजकुमार जी बोलना शुरू, परिवारवाद की बात कर कैसे सकते हैं, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ भाई।
मुख्यमंत्री कैसे बना जी, बोले प्लीज भाई। आज राजनाथ सिंह की जी के सुपुत्र क्या है बताइए ना, अनुराग सिंह ठाकुर कौन है बताइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां मोहन यादव मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बने और यूपी बिहार होते हुए हरियाणा भी बीजेपी ने साथ लिया। जातियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रेटेजी, जिससे विपक्षी चित हैं। समझ नहीं आ रहा आप कौन सा फॉर्मूला चले। पीडीए तो पिछड़ा दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए, अब क्या, अब जाति जनगणना। जाति जनगणना में भी ये नहीं बता रहे हैं कि वो किसका उत्थान चाहते हैं। जो 2600 जातियां हैं सेंट्रल की अगर हम बात करें तो वहां से जो आंकड़े हैं, 2600 जातियों में से किसका उत्थान चाहते हैं, क्योंकि 2600 जातियों में से कई 10% जातियां ऐसी हैं जिन्हें फायदा मिला होगा, लेकिन बाकी कई सारे बड़ा आंकड़ा ये है कि उन जातियों को मुट्ठी भर भी कुछ नहीं मिला। ऐसे में जो जाति जनगणना की बात है ना, इस पर क्लियर करना चाहिए इन पार्टियों को कि आखिर ये चाहते क्या है, किसका उत्थान चाहते हैं, जिनका पेट भरा हुआ उनका पेट और बाहर निकालना चाहते हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।